और इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेल के लगभग 5 से 6 डब्बे पटरी से उतर गए। 2 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन हालांकि 4 से 5 डब्बों की बात कर रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं 60 डिब्बे हैं जो पटरी से उतर गए। 2 तो पूरी तरह से पलट गए आगे के डिब्बे, और उसके बाद 5 और डिब्बे हैं जो रेल लाइन से उतर गए। 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात इस समय सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द लोगों की मदद की जाए, हर संभव मदद जो यात्री फंसे हुए हैं उनकी की जाए। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, जानकारी समय यह आ रही है कि घायलों की संख्या 20 तक पहुंच गई है, और क्या जानकारी दे सकते हैं समर्थ आप? बिल्कुल गौरव, 2 इसमें जो रिलीफ कमिश्नर है उनका स्टेटमेंट आ गया है, और 2 मौतें अभी तक रिपोर्ट उसमें की गई हैं ऑफिशियली जो सरकार की तरफ से बताया गया है। कुल 20 लोग इसमें घायल हैं, यानी कि उनको जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 40 मेंबर की मेडिकल टीम वहां स्पॉट पर पहुंच चुकी है, 15 एम्बुलेंसेस भी स्पॉट पर हैं, और इसके अलावा और मेडिकल टीम्स और एम्बुलेंसेस जो हैं वो भी स्पॉट पर जा रही हैं। इसके अलावा जो लखनऊ का या बाराबंकी जो नियर बाय स्टेशन हैं वहां का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, इन केस किसी को कोई असुविधा होती है तो उसके लिए वो सारी सुविधाएं की जा रही हैं, वो हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन जो अभी तक के रिकॉर्ड यूपी सरकार की तरफ से आ रही है जो रिपोर्ट, उसके मुताबिक 2 मौतों की पुष्टि सरकार ने की है और 20 लोग इस पूरी घटना में घायल हैं अभी तक की जानकारी। 2:30 बजे की घटना है और अब इस वक्त लगभग 4:30 बज रहा है, तो ये आंकड़ा अभी तक सरकार के द्वारा दिया गया है। डिरेलमेंट हुआ है ट्रेन का, गोंडा का स्टेशन है वहां की ये घटना है, और चंडीगढ़ की एक्सप्रेस थी जो यहां से निकल रही थी जिस वक्त डिरेल हुई। हालांकि बड़ी बात यह है, इस तरह की बैक टू बैक घटनाएं इस तरह की क्यों बार बार हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। घटना के बाद ये सवाल भी होंगे और ये पता लगाना पड़ेगा रेलवे को कि आखिर कहां पर कमी रह जा रही है जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, और निर्दोषों की केवल ट्रैवल करने में ही जान चली जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और कुछ। अच्छा ये बताइए समर्थ, कुछ समय पहले तक खबर यह आ रही थी कि लोगों को निकालने का प्रयास, ट्रेन में से निकालने का प्रयास हो रहा है जो डब्बे क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्या अभी भी लोग फंसे हैं या जो लोग फंसे थे सभी को निकाल लिया गया है, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है समर्थ? गौरव, जो जानकारी मिल रही है अभी भी लगातार जो है प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि एसडीआरएफ की जो टीम है उनको इसमें लगाया गया है। 15904 ट्रेन नंबर है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस थी, और एलएचबी कोच जो थे उसमें कहीं ना कहीं पीछे से जब डिरेल हुई गाड़ी तो कई एसी कोच थे जहां पर ज्यादा नुकसान मिला है ये समझ में आ रहा है, और एसडीआरएफ की टीम जो है वो पुलिस की मदद से लोगों को निकाला। उन लोगों ने काफी लोग जो सही हालत में थे, जिनके डिब्बे उतने डैमेज नहीं हुए थे जितने पीछे के डिब्बे डैमेज हुए थे, वो आगे निकल आए, और उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी भी जो है वो ऑपरेशन रेलवे के द्वारा, यूके एसडीआरएफ और पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि है और कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो ज्यादा घायल हैं, यानी कि सीरियसली इंजर्ड हैं, उन पर कहीं ना कहीं अस्पताल में नजर रखनी पड़ेगी कि उनकी जो चोटें हैं कितनी गंभीर हैं। लेकिन उससे बड़ी बात की डिरेलमेंट जो हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या कारण रहे हैं कि यहां पर ये डिरेलमेंट हुआ, क्योंकि रेलवे कई इस तरह की घटना बैक टू अगर पिछले एक समय रहिए मेरे तो साथ रहिए मेरे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान इस समय सामने आ रहे हैं, चश्मदीदों के बयान हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। हुआ है हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या जी? जी ऐसा सुनने में आया। मोतीगंज से झिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है,
वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की। एक जानकारी हम अपने दर्शकों को और इस समय दे दे, बड़ी खबर इस समय आ रही है। 6 डिब्बे पटरी से उतरने की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की संख्या कुल मिलाकर 7 बताई जा रही है। हालांकि जो उपचार हुआ है वो 20 से अधिक लोगों का हुआ है, लेकिन 3 गंभीर रूप से घायल हैं। 2 लोगों की मौत की पुष्टि इस समय हो गई है। एक और जानकारी जो इस समय आ रही है, ये जमीनी जो अधिकारी है, जो अधिकारी जमीन पर पहुंच चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर इस समय है, उनके मुताबिक दोनों इंजन ड्राइवर्स, इस ट्रेन में 2 इंजन ड्राइवर थे या लोको पायलट, दोनों लोको पायलट सुरक्षित है। तो बहुत सी जानकारी उनसे बात करके भी निकल आएगी। और समर्थ, आखिर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई, पटरी से कैसे उतर गए ये डिब्बे, लोको पायलट का बयान यहां बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जानकारी यह है कि दोनों लोको पायलट सुरक्षित है। बिल्कुल गौरव, जानकारी यही है कि दोनों लोको पायलट सुरक्षित हैं। उनका बयान बेहद जरूरी इसलिए होगा कि आखिर प्रमुख कारण क्या था जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई है। और अभी जिलाधिकारी जो गोंडा की हैं उनका बयान आ गया है, गौरव, नेहा शर्मा हैं, और इनके मुताबिक यहां पर 7 से 8 डिब्बे डिरेल हुए थे जिसमें 4 से 5 डिब्बे पलटे हैं। ये जिलाधिकारी गोंडा की है नेहा शर्मा, उनका बयान है। और इन्होंने भी 2 जो हम बता रहे हैं शुरुआत से, 2 मृत घोषित, यानी 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जो रिलीफ कमिश्नर के द्वारा भी स्टेटमेंट आया, वही स्टेटमेंट डीएम का भी है, 2 इसमें मृत्यु हुई है, 2 मौतें हुई हैं, उसके अलावा 5 से 6 घायल, ये बता रहे हैं। पर रिलीफ कमिश्नर का जो डेटा आया है हमारे पास, 20 लगभग इसमें घायल हुए हैं और उनको अस्पताल भी शिफ्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंसेस पहुंच गई हैं, मेडिकल टीम 50 प्लस लोगों की पहुंच गई है वहां पर, और SDRF अभी भी जो है जो लोग अगर फंसे हैं उनको निकालने का काम करें। लेकिन जो जानकारी हमको मिल पा रही है, जो मैक्सिमम लोग थे जो फंसे हुए थे उनको निकाला जा चुका है, क्योंकि घटना जो है 2:30 बजे की है, लगभग 2.5 घंटा इस घटना को हो चुका है। तो इसके लिहाज से हेल्पलाइन नंबर जो है लखनऊ बाराबंकी जंक्शन या गोरखपुर जंक्शन, जो कि वो गोंडा का जो रूट है उसके एक तरफ आपका गोरखपुर आता है, इधर की तरफ अगर आप चलेंगे तो आप बाराबंकी आता है, आपका अयोध्या भी इस तरफ आएगा और लखनऊ भी इस तरफ आता है। तो जो भी नियर बाय स्टेशन है उनके जो जंक्शन है, उनके जो प्लेटफॉर्म है, वहां भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई किसी का जानने वाला वहां मिलता है, फंसता है, तो उससे भी जान पहचान कराई जा सके। ठीक, तो 15904 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जानकारी इस समय यह आ रही है कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 20 लोगों का उपचार किया गया है, 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा कैसे हुआ ये अभी जानकारी तभी मिल पाएगी जब जांच शुरू होगी, लेकिन दोनों लोको पायलट यानी ट्रेन के जो ड्राइवर्स हैं वो सुरक्षित हैं, इंजन ड्राइवर्स, और उनसे बातचीत से काफी जानकारी निकलकर आ सकती है। 2 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, 11 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। समर्थ, यहां पर असम के कई लोग इस ट्रेन में बताए जा रहे हैं यात्री, और इसीलिए डिब्रूगढ़ हो, तिनसुकिया हो, अलग अलग जगह असम के इस भाग में हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ असम सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया है ज्यादा जानकारी के लिए। इस बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, असम सरकार जो है उसने यूपी सरकार से संपर्क किया है, क्योंकि ट्रेन जो है ये चंडीगढ़ से है और वहां के इसमें काफी यात्री शामिल हैं। अब देखना ये होगा गौरव कि जो घायल हैं या जिनकी इसमें मृत्यु हुई है क्या वो भी इसमें हैं या नहीं है, या क्योंकि यहाँ, क्योंकि ट्रेन यहाँ से गुजर रही है तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ यात्री इसमें हो सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जिस भी रूट से ट्रेन निकलती है जो आसपास के स्टेशन होते हैं वहां के भी लोग टिकट्स लेते हैं और वहां से भी लोग बैठते हैं। लेकिन जितनी जानकारी हमको मिल रही है इसमें असम के या उस रीजन के लोग ज्यादा
हमेशा आते हैं यूजुअली, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से असम सरकार यूपी सरकार के टच में आई है कि सबसे पहली बात तो ये है जितने घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया होगा उनके नाम वगैरह पता किए जाएंगे, कहाँ से हैं ये जानकारी ली जाएगी, और फिर असम सरकार को भी बताया जाएगा कि आपके यहाँ से या आपके रीजन से इतने इतने लोग यहाँ पर घायल हैं, और अगर किसी की मृत्यु हुई है जो असम रीजन से या उस रीजन से आ रहा जहां से ट्रेन आई है तो वहां पर यह जानकारी पहुंचाई जाएगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं आला अधिकारियों को स्पॉट पर पहुंचने के और हर जानकारी साझा करने के। इसीलिए रिलीफ कमिश्नर जो है उनकी तरफ से ये डेटा आया है कि 20 जो है लगभग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं, दो की मृत्यु हो गई है, और जितनी टीम्स पहुंची है चाहे SDRF की हो, मेडिकल टीम्स हो, एम्बुलेंसेज हो, वो सभी स्पॉट पर हैं और लोगों को बचाने का काम चल रहा है। लेकिन डिरेलमेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि ये गनीमत है कि दो ट्रेन जिस वक्त डिरेलमेंट हुआ है उस वक्त सामने से कोई और ट्रेन नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर सामने से कोई और ट्रेन आ रही होती तो शायद जो अगर भिड़ती तो फिर डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता था, जो पिछले कुछ दिनों में हुआ भी है। तो उतना डैमेज नहीं, डिरेलमेंट वाला डैमेज है, डिब्बे 6 से 7 पलटे, जैसा कि DM गोंडा नेहा शर्मा बता भी रही है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए, जिससे जो भी घायल है उनका समुचित उपचार जल्दी से जल्दी हो पाए। अच्छा, और इस पर अब राजनीति भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस की सांसद है राज्यसभा की, उन्होंने कहा है एक और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, इस बार ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय रेलवे जो करोड़ों भारतीयों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप अब लग रहा है कि ये सुरक्षित नहीं है। उन्होंने संवेदना भी प्रकट की है उन लोगों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति जो दो लोग इस ट्रेन हादसे में मारे गए। साथ ही साथ बड़ा प्रश्न अश्विनी वैष्णव से उठाया है जो रेलवे मंत्री हैं, कि अश्विनी वैष्णव इस मामले में क्या कर रहे हैं। ये प्रारंभिक जानकारी इस समय इस मुद्दे पर आ रही है समर्थ की, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई और एक ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में उसकी गिनती होती है, लेकिन इस तरह के हादसे एक बड़ी चिंता की बात है। आधुनिकीकरण बहुत आवश्यक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स है उनकी सुरक्षा, एग्जिस्टिंग ट्रेन जो इस समय ट्रेनें चल रही है उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी। बुलेट ट्रेन भी चाहिए और अभी जो ट्रेनें हैं वो भी सुरक्षित चाहिए। गौरव, बिल्कुल ये बहुत जरूरी आधुनिकीकरण। आप देखिए ये ट्रैक्स की हालत जो है, अभी आपने देखा बाढ़ जब आई पीलीभीत में तो रेलवे ट्रैक के नीचे की जो जमीन थी वही पूरी बह गई थी, तो जो हालात हैं वो काफी गंभीर हैं। इसी वजह से आप देखिए पिछले कई दिनों में बड़े बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, और ये समझना पड़ेगा रेलवे को भी कि जो मासूम है जो ट्रेवल करते हैं, जो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो ये सोच के नहीं जाते कि वो कभी वापस ही नहीं लौटेंगे। सोचिए कितने यात्री इसमें हैं जिनकी मृत्यु हुई है, जो दो दिन की दो मृत्यु हुई है। मिलन शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेलवे कवर करती है। मिलन, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, रेलवे इसका इस पर अभी क्या कहना है, बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है मिलन? जी देखिए गौरव, इस वक्त बचाव कार्य की शुरुआत हो चुकी है और कई ऐसे जो घायल लोग हैं उन्हें बचाने की जो जद्दोजहद है उस वक्त जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो वहां पर ग्राउंड पर कर रही हैं। काफी सारी जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल की गई हैं और डाइवर्ट की गई हैं उस पूरे रूट पर। मैं बताऊं आपको, कुल 13 ट्रेनें इस वक्त डाइवर्ट कर दी गई हैं और अलग अलग डिटेल्स अभी सामने आ रहे हैं। जैसे दो लोगों की जो मौत हुई है वो कंफर्म्ड एक नंबर हमें रेलवे के ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला है। 20 से 25 लोग अभी घायल भी हैं और घायलों को सबसे पहले सहायता वहां पर दी जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो यही है इस वक्त ग्राउंड पर। और हमारे को ये भी बताया गया है रेल मंत्रालय की तरफ से कि जो दो लोको पायलट थे उस ट्रेन में उन्हें सेफली रिकवर कर दिया गया है, उनकी जान को खतरा नहीं है। हालांकि हल्की चोटें आई है और साथ ही साथ ऑफिशियल कंफर्मेशन के हिसाब से 6 बोगियां जो है यानी कि 6 कोचेज डिरेल हुए हैं इस वक्त। बाकी रेस्क्यू के कार्य शुरू है, हमें अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है लेकिन इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है गौरव, कि क्या मंत्री खुद ही उस स्पॉट पर जाएंगे या नहीं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में भी एक भीषण